स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर, उस ब्रेस्ट कैंसर को बोलते हैं जिसमें कैंसर ब्रेस्ट से निकल के डिस्टेंट ऑर्गन जैसे लंग, लिवर, बोन, ब्रेन एक्सेट्रा में फैल चुका है। क्या आप जानते हैं कि आज के एरा में इस कैंसर में भी एवरेज सर्वाइवल 5 to 10 years या उससे भी ज्यादा होता है? कैसे, जानने के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो दोस्तों, स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री में एक कॉमन प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री का नंबर वन कैंसर है और 30% पेशेंट में ये कैंसर स्टेज फोर पे ही पकड़ा जाता है। परंतु एक ऑप्टिमिस्टिक चीज ये है कि लास्ट 2 decades में इस कैंसर में बहुत सारी न्यू ट्रीटमेंट आई है जिससे इस कैंसर का सर्वाइवल बहुत हाई हो गया है। तो आज दोस्तों हम स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे कि स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर में आज के एरा में एवरेज सर्वाइवल कितना माना जाता है। नंबर टू, स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर में ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड किया जाता है, ERPR हर्टू का क्या मतलब है। नंबर थ्री, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज के एरा में अवेलेबल है। नंबर फोर, हर्टू पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में आज के एरा में कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर फाइव, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में आज के एरा में कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। नंबर सिक्स, ब्रैका टेस्टिंग क्या होती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। नंबर सेवन, क्या स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी का कोई फायदा है। नंबर एट, क्या स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर में रेडियोथेरेपी का कोई फायदा है। और नंबर नाइन, क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होते हैं और मेरे कैंसर में क्या ये काम करेगी। तो दोस्तों हम एक एक करके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि स्टेज फोर कैंसर का आज के एरा में सर्वाइवल क्या है। जैसे हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया, यदि सही कैंसर का सही ट्रीटमेंट हो तो ट्रायल्स कहती है कि आज की एरा में इस कैंसर का सर्वाइवल मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में 5 years या इवन एज हाई एज 8 to 10 years है। पर इंपॉर्टेंट ये है कि सही कैंसर में सही ट्रीटमेंट यूज होना चाहिए। यदि ब्रेस्ट कैंसर ए टाइप का है तो उसमें बी ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी, और यदि कैंसर बी टाइप का है तो उसमें ए ट्रीटमेंट काम नहीं करेगी। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए प्रॉपर डिजीज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिजीज सिलेक्शन से क्या मतलब है। तो दोस्तों क्या देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर मेनली 3 तरह के होते हैं, हार्मोन पॉजिटिव, हर्टू पॉजिटिव और ट्रिपल नेगेटिव। तो इस ब्रेस्ट कैंसर किस तरह का है वही बताता है कि इस कैंसर में कौन सा ट्रीटमेंट यूज होना चाहिए और किस तरह पेशेंट का सर्वाइवल मैक्सिमम रहेगा। और इसके लिए ट्यूमर की बायोप्सी में 3 टेस्ट होने चाहिए जिसको बोलते हैं ER, PR और हर्टू। तो दोस्तों यदि आपके स्टेज फोर कैंसर से सफर कर रहे हैं तो प्लीज इंश्योर कि आपके ऑन्कोलॉजिस्ट या सर्जन आपके ट्यूमर पे ये 3 टेस्ट जरूर करें, क्योंकि इसके बिना इस कैंसर का प्रॉपरली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर वो होता है जिसमें ER या PR पॉजिटिव है और HER2 नेगेटिव है। तो दोस्तों इस कैटेगरी के पेशेंट्स को हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं और ज्यादातर पेशेंट इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। इंडिया में अराउंड 60% पेशेंट्स हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर वाले पेशेंट होते हैं। तो दोस्तों हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जिनका मेन थ्रस्ट हार्मोन थेरेपी होता है। तो हार्मोन थेरेपी के रिगार्डिंग आप हमारा हार्मोन थेरेपी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। बट ब्रीफली ये कुछ टेक्नोलॉजीज है जो बॉडी में हार्मोन्स जैसे कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स को मैनिपुलेट करता है जिससे कि ट्यूमर अपने आप दब जाता है। तो बेसिकली हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस से ट्यूमर बढ़ता है और यदि इन हार्मोन्स को ब्लॉक कर दिया जाए तो ट्यूमर अपने आप कंट्रोल हो जाता है। और इस थेरेपी के बहुत सारे फायदे हैं। ये बहुत चीप थेरेपी है, इसका कोई कॉस्ट ज्यादा नहीं होता, ये इजीली रेडिली पूरी इंडिया में हर जगह अवेलेबल है। और ज्यादातर केस में ये एक टैबलेट फॉर्म की थेरेपी है, यानी पेशेंट को कोई पेनफुल इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि इंजेक्टेबल हार्मोन थेरेपीज भी अवेलेबल है और इसके साइड इफेक्ट बहुत बहुत कम होते हैं, क्योंकि हार्मोनल मैनिपुलेशन इज नॉट अ वेरी टॉक्सिक प्रोसेस, यानी पेशेंट को बहुत परेशानी नहीं होती। तो हर हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए हार्मोन थेरेपी सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट। नंबर टू ट्रीटमेंट को बोलते हैं हम टारगेटेड थेरेपी। तो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में दोस्तों कुछ टारगेटेड थेरेपीज इंडिया में अवेलेबल है जो हार्मोन थेरेपी के इफेक्ट को कई गुना बढ़ाती है। फॉर एग्जांपल, यदि सिर्फ हार्मोन थेरेपी से पेशेंट की डिजीज 2 से 3 साल कंट्रोल हो सकती है, तो उसमें हार्मोन के साथ टारगेटेड थेरेपी जोड़ के उस ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल को हम इवन डबल कर सकते हैं। तो ये कुछ नई दवाइयां हैं जो हार्मोन थेरेपी के साथ दी जाती है
और डिजीज कंट्रोल को ग्रेटली एक्सपैंड और प्रमोट करती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि जिस भी पेशेंट को हम हार्मोन थेरेपी दे रहे हैं उनको साथ में ये टारगेटेड थेरेपी जरूर दी जाए, जो कि ट्यूमर के ग्रोथ को अच्छी तरह कंट्रोल करती है और लंबा सर्वाइवल देती है। नंबर थ्री, कीमोथेरेपी। तो दोस्तों, हार्मोन थेरेपी में जो हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन कैंसर में कीमोथेरेपी का फायदा बहुत कम है। हालांकि कीमोथेरेपी कभी कभी यूज करनी पड़ जाती है यदि पेशेंट को ट्यूमर बहुत ज्यादा है, लिवर फेल होने वाला है, किडनी फेल होने वाली है, बोन फ्रैक्चर होने वाली है, तो ऐसे में एक शॉर्ट कोर्स ऑफ कीमोथेरेपी देके बीमारी को फटाफट कम किया जा सकता है। परंतु लॉन्ग टर्म में इन कैंसर में हम यूजली कीमोथेरेपी यूज नहीं करते। रीजन ये है कि कीमोथेरेपी से डिजीज कंट्रोल यूजली शॉर्ट ही मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में भी हम फटाफट बीमारी को कम करके पेशेंट को फिर हार्मोन और टारगेटेड थेरेपी शिफ्ट कर लेते हैं, जिस थेरेपी को पेशेंट सालों साल तक लेके कंफर्टेबल रह सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। तो दोस्तों, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, जिन पेशेंट का ट्यूमर प्रोफाइल HER2 पॉजिटिव है उन पेशेंट्स में वेरियस टारगेटेड थेरेपीज को यूज कर सकते हैं, जिसको हम HER2 टारगेटेड थेरेपी बोलते हैं। तो दोस्तों, HER2 टारगेटेड थेरेपी 7 या 8 अलग अलग दवाइयां हैं जो स्पेसिफिकली ट्यूमर के HER2 मार्कर को अटैक करती है और ट्यूमर सेल को मारती है, जबकि नॉर्मल सेल में चूंकि HER2 नॉर्मल होता है और एम्पलीफाइड नहीं होता, उन सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेट रिजल्ट ये है कि ट्यूमर को बहुत इफेक्टिवली सप्रेस और कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि नॉर्मल सेल्स पे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो अगेन, HER2 टारगेटेड थेरेपी का आउटकम बहुत अच्छा है और लेटेस्ट स्टडीज कहती है कि आज के एरा में HER2 पॉजिटिव पेशेंट्स का एवरेज सर्वाइवल 5 ईयर से ऊपर आराम से है, एंड इवन एट 8 to 10 ईयर मार्क देयर इज अ वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स हु आर स्टिल अलाइव। तो एक ऐसी थेरेपी है जो बहुत बहुत लंबा सर्वाइवल दे सकती है यदि सही पेशेंट में सही थेरेपी यूज की जाए। HER2 टारगेटेड थेरेपी दोस्तों कई तरह की होती है, कुछ इंजेक्शन होती है, कुछ टैबलेट होती है, कुछ महंगी होती है, कुछ सस्ती होती है, कुछ इंडिया में है, कुछ अमेरिका में। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑन्कोलॉजिस्ट आपका ट्यूमर के लिए जज करे कि बेस्ट HER2 टारगेटेड थेरेपी आपके लिए कौन सी है और वो आपको दी जाए ताकि आपको मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम। दूसरी थेरेपी जो HER2 पॉजिटिव ट्यूमर में यूज की जा सकती है उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो दोस्तों, कीमोथेरेपी अगेन जैसे हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया, HER2 पॉजिटिव थेरेपी में भी कीमोथेरेपी बहुत लो डोज और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूज की जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा बेनिफिट इस सब टाइम पे नहीं रहता। तो यूजली हम क्या करते हैं कि लो डोज कीमो कुछ महीने के लिए पेशेंट को हम दे सकते हैं फॉर फास्ट डिजीज कंट्रोल, पर लॉन्ग टर्म डिजीज कंट्रोल के लिए पेशेंट टारगेटेड थेरेपी में रहता है और उनको कीमोथेरेपी के कोई मेजर साइड इफेक्ट झेलने नहीं पड़ते। थर्ड ऑप्शन, तो दोस्तों जो थर्ड ब्रेस्ट कैंसर टाइप है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो दोस्तों, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर वो कैंसर पेशेंट है जिसमें ER, PR और HER2 तीनों मार्कर्स नेगेटिव है। तो दोस्तों, ये वो कैंसर का सब टाइप है जिसमें ट्रीटमेंट सबसे डिफिकल्ट माना जाता है। रीजन ये है कि इस कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी है। जनरली जिन पेशेंट में तीनों ER, PR और HER2 नेगेटिव है उनमें मेन ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी ही रहता है। यूजली एक एक करके वेरियस कीमोथेरेपी के लाइन इन पेशेंट्स को दी जाती है। हालांकि कीमोथेरेपी बहुत टॉक्सिक नहीं है, पर मेन प्रॉब्लम ये रहती है कि कीमोथेरेपी से ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल रिलेटिवली शॉर्ट रहता है, इसलिए इन पेशेंट्स का सर्वाइवल पिछले दो कैटेगरी के पेशेंट्स से कंपैरेटिवली थोड़ा कम माना जाता है। परंतु इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस कैंसर सब टाइप में आज की इरा में कुछ न्यू थेरेपीज बड़ी रैपिडली डेवलप हो रही है, जैसे हम आगे क्लिनिकल ट्रायल सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ऐसे पेशेंट्स को सबको क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करना चाहिए ताकि उन्हें न्यू डेवलपिंग टारगेटेड थेरेपीज का मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो कुछ नई थेरेपीज है जो इंडिविजुअल पेशेंट्स को जेनेटिक टेस्ट करके ट्रीटमेंट वाइज ऑफर की जा सकती है। और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यदि आपको TNBC की प्रॉब्लम है तो आप एक एक्सपर्ट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जरूर। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्रका क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो दोस्तों, देखा गया है कि अराउंड 3 to 5% ऑफ पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर है उन्हें वो इनहेरिटेड होता है, यानी उनमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है जो उनको अपने पेरेंट्स से मिला है और वही जेनेटिक डिफेक्ट उनके बच्चों को भी पास ऑन हो सकता है। यूजली इन पेशेंट्स को ब्रेस्ट कैंसर यंगर एज पे होता है और ज्यादा अग्रेसिव होता है। परंतु इसकी एक पोटेंशियली पॉजिटिव चीज ये है कि जिन पेशेंट्स को ब्रका डिफेक्ट है उनके लिए एक स्पेशल तरह की थेरेपी अवेलेबल है जिसको DNA रिपेयर ब्लॉकिंग थेरेपी या PARP इनहिबिशन बोलते हैं। तो कई ड्रग्स है जो कैंसर का जो डिफेक्टिव सेल है जो कि DNA रिपेयर नहीं कर पाता उसको स्पेशली टारगेट करके उस सेल को और डैमेज करती है,
ताकि सिर्फ कैंसर सेल्स की डेथ हो और नॉर्मल सेल की डेथ ना हो। तो ये बहुत ही पोटेंट और इफेक्टिव थेरेपी है जिससे लंबा डिजीज कंट्रोल मिल सकता है, पर एज ऑफ टुडे इस थेरेपी का यूज सिर्फ ब्रैका पॉजिटिव पेशेंट्स में ही किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रोल ऑफ सर्जरी एंड रेडियोथेरेपी इन मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर, यानी फैले हुए ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी और रेडिएशन का क्या रोल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थेरेपीज फैले हुए ब्रेस्ट कैंसर में रूटीनली नहीं यूज की जानी चाहिए। रीजन ये है कि यदि ब्रेस्ट कैंसर बीमारी बॉडी में फैल गई है तो आप ओरिजिनल ट्यूमर निकाल भी दो तब भी दूसरे ट्यूमर से नए ट्यूमर क्रिएट हो सकते हैं। तो ऐसे में सर्जरी करके ट्यूमर निकालने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। सिर्फ कुछ पेशेंट जिनमें टोटल बॉडी में डिजीज बर्डन बहुत कम है, यानी कि ब्रेस्ट की गांठ है और बाकी बॉडी में दो या तीन गांठ ही है, उनमें केस बाय केस सर्जरी को कंसिडर किया जा सकता है, परंतु रूटीनली स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर में सर्जरी नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली रेडिएशन का भी ऐसा ही रोल है, अनलाइक वो ब्रेस्ट कैंसर जो एक ही जगह पे है, रेडिएशन का बहुत ज्यादा फायदा फैले हुए ब्रेस्ट कैंसर में नहीं होता। सिर्फ कुछ सिचुएशन में ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को यदि एक पॉइंट पे बहुत पेन है तो रेडिएशन करके पेन में आराम पा सकते हैं, या किसी को मान लो स्पाइन पे दबाव पड़ रहा है तो रेडिएशन करके उस ट्यूमर को इमीडिएटली शरिंग कर सकते हैं ताकि स्पाइन का दबाव खुल जाए। परंतु रूटीनली स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर में रेडिएशन नहीं यूज होती और हमारे ज्यादातर पेशेंट्स को रेडिएशन ऑफर नहीं करते। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैंसर की क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होती है और यदि हमें स्टेज फोर ब्रेस्ट कैंसर है तो क्या हमें इन ट्रायल्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दोस्तों क्लिनिकल ट्रायल्स पे एक डिटेल्ड वीडियो हमारा ऑलरेडी पब्लिश्ड है, आप लिंक से उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। परंतु बेसिकली क्लिनिकल ट्रायल्स नई ड्रग्स की स्टडीज होती है जो कि चेक करती है कि किस तरह की न्यू थेरेपी से कैंसर का सर्वाइवल और भी बढ़ाया जा सकता है। जो भी मिरेकल्स मैंने आज के वीडियो में आपको बताए हैं सब किसी ना किसी क्लिनिकल ट्रायल की ही उजात है। तो जैसे कि एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ब्रेस्ट कैंसर की आज के जमाने में, उस यदि हम 5 साल बाद की ट्रीटमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि क्लिनिकल ट्रायल्स को ज्वाइन किया जाए। तो यदि आपको कोई क्लिनिकल ट्रायल को ऑप्शन दिया जाए तो आपको स्ट्रांगली उस ट्रायल को ज्वाइन करने के लिए कंसिडर करना चाहिए। आप हमारा क्लिनिकल ट्रायल्स का वीडियो देख के और जान सकते हैं कि क्लिनिकल ट्रायल ज्वाइन करने के फायदे और नुकसान क्या है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपका ये वीडियो हम आज समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यूजफुल जानकारी मिली होगी जिससे आपका ट्रीटमेंट और बेटर हो सके। दोस्तों हमारे चैनल का मेन पर्पस ये है कि वर्ल्ड का बेस्ट और लेटेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट्स को हमारे कंट्री में उनकी भाषा में मिलना चाहिए। तो यदि आप इस गोल में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को जरूर शेयर करें। यदि कोई आपका क्वेश्चन है जो इस वीडियो से सॉल्व नहीं हुआ हो तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए कमेंट्स पर आप पोस्ट कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया लिंक से हमें डायरेक्टली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको आपके सवाल का जवाब मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड टेक केयर।